हेलो गाइस, सरताज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हम काजू हल्दी की चटनी। आप बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हल्दी ली है, इसको मैंने धो के छील लिया। अब मैं इसको घस लेती हूँ। मैंने ये सारा घस लिया हल्दी। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई रख दी, इसमें घी डालेंगे। हल्दी हमेशा घी में बनाई जाती है। ये हमारा घी गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा और ये मैंने लहसुन और प्याज और ये हरी मिर्ची बारीक बारीक काट ली है। लहसुन में प्याज को मैंने पीस लिया था, इनको फ्राई कर लेते हैं। इसी के साथ एक और मैंने काजू के टुकड़े तो भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इसी के साथ। अब डालेंगे हम मसाले। 1.5 चम्मच डालूंगी मैं लाल मिर्ची, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसी के साथ ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, इन सबको मिक्स कर लेंगे। करूँगी मैं थोड़ा सा पानी, इसको अच्छे से पका लेंगे मसाला। साथ में ऐड करूँगी मैं सूट का पाउडर 1/2 चम्मच, इसको अच्छे से पकने देते हैं। मसाला पक चुका है, अब इसमें डालेंगे मैं 1 चम्मच गरम मसाला छोटा वाला और इसी के साथ ऐड करूँगी हल्दी। हल्दी हमने बोली है कि कच्ची है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम पानी वानी कुछ नहीं डालना, मैं ढक्कन लगा के धीमी आंच पे इसको 4-5 मिनट पकाऊंगी। तो मैंने गैस कम कर दिया है और मैं ढक्कन लगा दूँ। ये हमारी हल्दी की चटनी तैयार हो चुकी है, काजू हल्दी चटनी। बंद कर देते। ये हमारी काजू और हल्दी की चटनी तैयार है। खाएं, बनाएं, सबको खिलाएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।